नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम मसूर की सब्जी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने मसूर को अच्छे से स्प्राउट्स निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। अब हम इसकी एक नॉर्मल मतलब बिना मसाले की सब्जी आज हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें गैस की तरफ चलना होगा। तो यहाँ पे मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच राई जो है वो अच्छे से चटक गई है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच। अब यहाँ पे इसमें मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। ये भी हमें ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है, बस 1/2 छोटी चम्मच ही डालनी है। अब एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अदरक और लहसुन की पेस्ट मैंने डाल दी थी वो भी हमारी अच्छे से भून गई है। अब यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखा है और टमाटर, ये दोनों चीजें मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने मीडियम साइज का एक प्याज काट लिया है, इसे मैं पहले इसके अंदर डाल दूंगी। इसी के साथ यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिया है, तो ये टमाटर भी इसके अंदर जाएगा। और अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे इसे हम कर रख देंगे, ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें पक जाए और मैशी हो जाए। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। इसी के साथ इसमें 1 चम्मच भरकर मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे 1/2 चम्मच काला मसाला मैं इसके अंदर डाल दूंगी और 1/2 से थोड़ा कम गरम मसाला मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ ही में यहाँ पे मैं नमक भी डालने वाली हूँ इसमें। और अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ। 1 चम्मच पानी इसमें डाल दिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसे साइड से तेल नहीं छूटता है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए इस पे कितने अच्छे से तेल छूट गया है, एक बार इसे हम चला लेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने मसूर यहाँ पे रखे हुए हैं, ये मसूर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो मैंने सारे मसूर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए, बस कुछ बाकी मैंने बचा के रख दिए हैं। मसूर डालने के बाद एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसूर है हमारे वो अच्छे से पक जाए। फिर से इसे हम ढककर 1-2 मिनट के लिए पका लें। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्लेट को हटाकर चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी रेडी हो गई है या नहीं। मसूर वैसे भी जल्दी पकते हैं, इनको टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए अगर मैं इसे दबा रही हूँ तो ये इजिली दब जा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी सब्जी है और 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे और 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी रेडी हो गई है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि इसे साइड से कैसे अच्छे से तेल छूट गया है। एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे तो ये देखिए अगर मैं इसे दबा रही हूँ तो ये इजीली दब जा रहा है, मतलब अभी ये पूरी तरीके से पक गए हैं। तो ये जो हमारी सब्जी है ये रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो रोज रोज सब्जी में क्या बनाना है, अगर आप परेशान हैं इस चीज से तो एक बार ऐसे जो मसूर है जो हमारे रोज हम यूज करते हुए जो पल्सेस है उसे आप ऐसे स्प्राउट्स निकालिए और उस स्प्राउट्स की आप ऐसी सूखी सब्जी भी बना सकते हो और ये फटाफट बनती है, इसे टाइम नहीं लगता है, बस घर की चीजों में ही हमने इसे बना लिया है। तो यहाँ पे ये जो हमारी मसूर की सब्जी है ये रेडी हो गई है और इसे मैंने अभी प्याज के साथ सर्व कर लिया है। तो दोस्तों इसे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये सब्जी कैसे लगी।